वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। बीएसएफ आरओआरएम जो आपकी आर्मी का एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, और इस एडमिट कार्ड के साथ में जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जो बड़ी मिस्टेक्स होती है, जो आपको नहीं करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा। और इसी जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, जो दिशा निर्देश इसमें मिलने वाला है, उसको फॉलो करते हुए हमें एग्जाम हॉल में जाना है और एग्जाम देना है। तो मैं सारे पॉइंट आपके क्लियर करूंगा, एग्जाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए एडमिट कार्ड के लिए, वो सारी क्लियर करूंगा। क्या क्या लेके जाना है, कैसे उनका यूज करना है, किस तरीके से प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ताकि आप एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद एग्जाम दो, न कि एग्जाम से आपको बाहर कर दिया जाए, आउट कर दिया जाए। तो सबसे पहले अगर अपन यहां पे बात करते हैं, ये किसी बच्चे ने एडमिट कार्ड हमें भेजा था, और ये एडमिट कार्ड का आपका प्रिंट आउट आप देख रहे होंगे, ये मैंने यहां पे लगाया है, और ये बच्चा यहां पर पूरा का पूरा इसने डिटेल वगैरह डाल रखी है, ठीक है। अगर मैं यहां पर क्लियर करूं तो यहां पर पिन कोड वगैरह पूरा डिटेल वगैरह नंबर वगैरह आपको यहां पर मिलेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये जो प्रिंट आउट आपके पास एडमिट कार्ड का है, इस एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, सबसे पहले मैं उनको क्लियर कर दूं पॉइंट टू पॉइंट, वन बाई वन। और वो पॉइंट क्या क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सबसे पहले जो सेंटर पे आप जब पहुंच रहे हैं, तो एक आईडी प्रूफ आपको चाहिए होगा। आप आराम से पढ़ लेना, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, लेकिन एक वेरीफाइड आईडी प्रूफ, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है ना, ये एक वेरीफाइड आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो वेरीफाई हो गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और जिसपे फोटो हो, सबसे बड़ी बात है फोटो हो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में आपको जो रोल नंबर मिला है, जो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में आया है, उसको आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें और आपका जो आंसर शीट है उसमें आपको मेंशन जरूर करना है। अगर आपने रोल नंबर, अक्सर बच्चे और कॉन्फिडेंस में, जल्दीबाजी में या हड़बड़ाहट में भूल जाते हैं, उसको जरूर जरूरी है कि आप उसमें जो बुकलेट आपको मिली है उस पर आप वो रोल नंबर जरूर से कॉपी करें, उस पर लिखें। अगला पॉइंट आपका, नकल के लिए जो भी सामग्री होती है वो आपको नहीं लेके जानी है। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको एग्जाम से आउट कर दिया जाएगा, और उसके लिए आपको एक डोजियर भी बनेगा, बोर्ड के द्वारा बनाया जाएगा, तो वो आपको उस पर कार्रवाई की जाएगी, आगे उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसा कतई नहीं करना है। परीक्षा केंद्र पर यात्रा के लिए कोई टीए डीए नहीं मिलेगा। मैं नहीं मानता कि आप इस चक्कर में होंगे कि आपको अलग से कोई मतलब पैसा मिलेगा जो ट्रेवल करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा के लिए, परीक्षा केंद्र पर यात्रा के दौरान या यात्रा के दौरान रुकने की अवधि के दौरान अगर कुछ भी चोट स्वास्थ्य संबंधी कोई इश्यू होता है, तो भाई साहब जो आपका एग्जाम का जो विभाग है उससे उसको कोई इंपैक्ट नहीं है, वो उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। परीक्षा केंद्र के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोबाइल फोन है, कैलकुलेटर है, किसी भी तरीके का इस तरीके का डिवाइस आपके लिए अलाउ नहीं है। वहां पर आप देखें, क्लिप बोर्ड लेके जा सकते हैं, नीचे लगाने के लिए जो बोर्ड आता है वो लेके जा सकते हैं, नीला या काला बॉल पॉइंट, ये बात नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लेके जाना उसमें, नीला या काला बॉल पॉइंट, है ना, और पेंसिल आपको लेना है, शॉर्पनर आपको लेना है, इरेजर आपको लेके जाना है, ये सामान आप साथ में लेके जाएंगे, जो बहुत जरूरी है साथ में लेके जाने में। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के अंतिम आधे घंटे से पहले, आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, लास्ट के 30 मिनट से पहले आपको बाहर आने का मौका नहीं दिया जाएगा, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है, परमिशन नहीं दी जाएगी। प्रश्नों को हल करने के लिए जो बुकलेट में जो इंस्ट्रक्शन आपको मिले गए हैं उनको आपको फॉलो करना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर मैं आगे यहां पर बढ़ता हूं, नेक्स्ट आपका उम्मीदवार को रिपोर्टिंग जो टाइम आपको दिया गया है उससे 15 मिनट पहले आप वहां पे पहुंचते हैं तो ही आपको एंट्री मिलेगी। अगर आप उससे डिले हो जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो टाइम से आपको सेंटर पे पहुंचना है। और यहां पर पॉइंट मैंने डाले हैं, चयन उपलब्धि में रिक्तियों की समान योग्यता के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार जिसमें सभी परीक्षा उत्तीर्ण की है लेकिन योग्यता सूची में नहीं आया, मेरिट लिस्ट में नहीं आया, मैं बार बार कह रहा हूं, तो भाई साहब उसमें जो भी नियम है वो उस पर लागू नहीं होंगे। कोविड का जो इंस्ट्रक्शन आपको उसमें मिला है उसको आपको फॉलो करते हुए आगे जाना है। अब एग्जाम से पहले आपके पास प्रॉपर एक एग्जाम पैटर्न पे मॉक टेस्ट जरूरी है, और वो हमारी टीम ने करके दिया है। पहला मॉक टेस्ट 12 को, दूसरा 13, 14, 15 और 16, ये 5 मॉक टेस्ट सेव भी करवाए हमने, वो सेव भी हैं, आप अभी भी जाके इन मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। और जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाए वो एग्जाम से पहले एग्जाम पैटर्न की तैयारी पर एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चा एग्जाम हॉल में जाने से पहले यह तैयारी करके जाए ताकि आपका अच्छा स्कोर हो सके। यह आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो
होने वाला है। ये मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, एग्जाम पैटर्न पे ये मॉक टेस्ट है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं, यहां पर ये जो आपके मॉक टेस्ट हैं, ये आपके बीएसएफ आरओ आरएम जो आपका नेवी आईसीजी एयरफोर्स वाला बैच है, नोट्स बैच, उसमें आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। और इन मॉक टेस्ट को आप जरूर से इंप्लीमेंट करें। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, आगे आपको एयरफोर्स में भी ये बैच काम में आएगा, क्योंकि यही बैच आपको आगे कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन ये मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रहा कमेंट में जरूर पूछिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।